हमारा हमारा है है तो पिछले में हमने हमने और तक तक जो जो किया कंप्लीट हो गया था नेक्स्ट इस लेक्चर में हम 6.4 डिस्कस करेंगे तो 6.4 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड क्यूब रूट ऑफ माइनस वन एट माइनस ट्वेंटी ये एक ही क्वेश्चन नहीं है ये चार डिफरेंट नंबर हैं चारों की हमने क्यूब रूट फाइंड करनी है क्यूब रूट का मतलब है कि हम लेते हैं स्केयर रूट और क्यूब रूट दो चीजें हैं स्केयर रूट जो होता है उसमें हमारे पास वन बाई टू वैल्यू होती है और क्यूब क्यूब का मतलब हमें पता है थ्री है तो क्यूब रूट का मतलब होगा कि हमारे पास जो पावर है वो है वन ओवर थ्री ठीक है हम सारे क्वेश्चंस के लिए अलहदा अलहदा ये माइनस वन एक अलैदा पार्ट है फिर एट के लिए फाइंड करेंगे माइनस ट्वेंटी सेवन के लिए और सिक्सटी फोर के लिए तो हम सबसे पहले माइनस वन के लिए फाइंड करते हैं क्यूब रूट का मतलब क्या है हम पावर हाँ जो है वो वन बाय थ्री है अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं माइनस वन ठीक है फर्स्ट पार्ट हमने लिया है माइनस One. हम लेट लेट कर लेते हैं क्यूब क्यूब ऑफ़ देन रूट है ना तो की पावर हमने लेनी है अगर यहाँ पे होता स्केयर रूट तो माइनस वन की पावर हमने लेनी थी वन बाय टू तो यहाँ पे क्यूब है तो इसका मतलब है माइनस वन की पावर है वन बाय थ्री तो हमने इसको किसी मैथमेटिक्स में हम लेट कर लेते हैं ना तो हम इसको दोनों तरफ पावर थ्री ले लूंगी तो यहाँ तो एक्स के ऊपर पावर थ्री आ जाएगी यहाँ पे जो थ्री होगा वो थ्री इस डिवाइड वाले थ्री से कैंसिल हो जाएगा और माइनस वन की पावर वन बचेगी जो कि एग्जैक्ट जो है क्या है माइनस वन ही है ये माइनस वन इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनी एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो अब ये तो x का क्यूब है हमें पता है ये जो वैल्यू वन है इसको मैं वन का क्यूब लिख सकती हूँ क्योंकि वन का क्यूब जो है वो भी किसके इक्वल आना है वन के इक्वल ही आना है तो इसको मैंने वन का क्यूब लिख लिया ठीक है अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ठीक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर अब यहाँ पे ए की जगह हमारी वैल्यू है एक्स और बी की जगह वैल्यू है हमारी वन तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में ए हमारे पास क्या है एक्स है और बी क्या है वन है तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वन ये ए का स्केयर यानी एक्स स्केयर और यहाँ माइनस ए भी आएगा तो ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास वन है ये माइनस एक्स हो गया और बी का स्केयर यानी वन का स्केयर ये वन हो गया मतलब हमने क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया ठीक है थीके? अब ओपन करने कियावल टू जीरो जब रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन और जब हम इसको क्योंकि दो चीजें जीरो के इक्वल है तो दोनों बारी बारी जीरो के इक्वल आएंगी तो यहाँ से तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन जो दूसरी हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्स एक्स प्लस टू जीरो निकालनी है ये हमारी बन गई है क्वारेटिक इक्वेशन अब क्वारेटिक इक्वेशन में हमने तीन मेथड पढ़े थे फैक्ट्राइजेशन कम्प्लीटिंग मेथड और हमारा थर्ड मेथड था क्वारेटिक फार्मूला अब यहाँ पे फैक्टर तो बन नहीं रहे तो हमने क्वारेटिक फार्मूला लगा लिया जो हमारे पास क्या था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी क्या है वन बी की क्या है माइनस वन और सी की क्या है one. मैंने आपको बताया था कि X के साथ जो कॉफिशियंट है वो ए की वैल्यू है जो एक्स के साथ है वो बी की वैल्यू और जो बचता है वो सी की वैल्यू होती है यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू ये आती है हमारे पास ठीक है ये आती है वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया माइनस वन है अंडर रूट माइनस वन उसको हमने ये आयोटा लिख लिया अब मैंने क्या किया है कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड मतलब एक माइनस बाहर है और एक माइनस अंदर अप्लाई कर दिया जब वो मैं अंदर अप्लाई करूंगी वन के साथ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे साइन है प्लस माइनस का तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस तो फिर दोबारा प्लस माइनस के ही साइन आने तो चीज रहेगा अब मैंने ये काम क्यों किया है क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये आपने याद रखनी है ये इक्वल होती है उमेगा के एक नंबर है उमेगा ये वैल्यू उसके इक्वल होती है माइनस वन प्लस माइनस अंडर थ्री अयोटा ओवर टू आगे इसकी मैं आपको बता देती क्लियर कर देती हूं, जो हमारे पास तो वो ओमेगा स्केयर तो हो जाएगी बस आप प्रोसीजर समझ लें फिर मैं आगे उमेगा और उमेगा स्केयर वाली बात आपको क्लियर कर देती हूँ ये माइनस वन था इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना था हमने पावर ले ली वन बाय थ्री ठीक है दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो थ्री से कैंसिल हो जाएगा इस तरफ तो ये माइनस वन उधर जाके प्लस वन हुआ तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जिस जो थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू जीरो फार्मूला लगा के हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड कर दी अब यहाँ पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया है वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमारे पास उमेगा और उमेगा स्केयर की वैल्यू जो है हम इसको ये जो लिखने हैं हमने फैक्टर फैक्ट्री उमेगा की फॉर्म में लिखने हैं देखें अब ये हमारे पास आ गया वो जो माइनस बाहर हमने कॉमन लिया था वो बाहर और जो प्लस वाली क्योंकि ये प्लस दो में है ना। जो प्लस वाली है वो वैल्यू मेगा के इक्वल होती है और माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री अटा बाई टू जो है ये मेगा स्केयर के इक्वल होती है तो हमारे पास माइनस वन के क्यूब रूट तीन आ गए माइनस वन माइनस उमेगा और ये माइनस उमेगा Square, जो कि हमने फाइंड करने थे हम इसी से रेलिवेंट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आपको करने आ में से 64 का देख लें आपके सिक्सटी फोर वो चार पार्ट्स थे उसमें से एक मैंने आपको माइनस वन का बता दिया एक प्लस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 64 अब हमने क्या करना है क्यूब रूट है सेम वही प्रोसीजर क्यूब रूट है तो 64 की पावर क्या आ जाएगी वन बाय थ्री और इसको हमने x के एक लेट कर लिया अब हमने क्या किया है सेकेंड स्टेप में थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स के ऊपर मतलब हमने क्यूब रूट ले ली दोनों तरफ तो इधर जब हम थ्री लेंगे थ्री थ्री से कैंसल वन बचेगा अब ये सिक्सटी फोर इधर आके क्या हो गया माइनस ये एक्स का क्यूब और अब आपने देखना है सिक्सटी फोर जो है वो किस नंबर का क्यूब बनता है वो बनता है फोर का क्यूब तो यहाँ पे हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला अगेन लग जाएगा जैसे हमने माइनस वन के लिए किया था तो जब हम x माइनस फोर इक्वल टू जीरो करेंगे यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे हमारी मर्जी है कि हम इसको अगर फैक्टर बन रहे हैं तो आपने फैक्टर बना लेने हैं अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो फिर आपने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो लगा के इसको सॉल्व कर लेना है ठीक है जैसे ये यहाँ पे सॉल्व हो गया ठीक है आपने क्या किया यहाँ पे एक तो एक्स की वैल्यू फोर आ गई है एक हमने वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया लगा के एक्स की वैल्यू निकाल ली है और यहां से हमने लिया कॉमन ले लिया ठीक है क्योंकि फोर कॉमन कॉमन आता था ले लिया से कैंसिल तो इधर बचा हमारे पास टू अब यहाँ पे हमने टू कैंसिल नहीं करना वैसे टू टू से कैंसिल होता है लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे क्यों क्योंकि, क्योंकि हमें पता है ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल होती है माइनस वन प्लस अंडरउुड थ्री ओवर टू और माइनस वन माइनस अंडर थ्री यूटा टू आपको पता है इसमें दो वैल्यूज हैं एक प्लस वाली और एक माइनस वाली वाली जो प्लस है वो ओमेगा के इक्वल है जो माइनस वाली है वो ओमेगा स्केयर के इक्वल और दोनों के साथ फॉर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर ओमेगा और फोर ओमेगा स्केयर तो टोटल एक्स की तीन वैल्यूज आ गई फोर फोर ओमेगा और फोर ओमेगा स्केयर ठीक है ये क्यूब रूट फाइंड करने का तरीका है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ठीक है इस एक्सरसाइज में आपने दो तीन रिजल्ट हैं जो याद रखने हैं एक तो ये उमेगा की वैल्यू माइनस वन प्लस हंड्रेड थ्रीटा ओवर टू उमेगा स्केयर में आ जाएगा जस्ट माइनस आ जाएगा ना और कोई डिफरेंस नहीं होगा और हमारे पास उमेगा क्यूब की वैल्यू आपने याद रखनी है कि उमेगा क्यूब जो है वो वन के इक्वल होता इस है इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं याद रखने वाले वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी एक तो उमेगा और मेगा स्केयर की वैल्यू आपने याद रखनी है और दूसरा ये याद रखना है कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है वन के और जो आखिरी रिजल्ट है वो ये कि वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर का आंसर क्या होता है जीरो होता है ठीक है ये दो रिजल्ट हमारे यूज होंगे अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसने कहा है, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमने कोशिश करनी है कि ओमेगा की जो पावर्स हैं वो थ्री का मल्टीपल आए ताकि हम उनको क्या कर सके उसको वन कर सके क्योंकि हमने इसका आंसर छोटे से छोटा आंसर लिखे है अब ओमेगा की पावर ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन हमें पता है थ्री का मल्टीपल बनता है ठीक है थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई करूं तो ट्वेंटी वन आता है थ्री का मल्टीपल है तो ये ऐसे लिखा रहेगा अब ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू थ्री का मल्टीपल नहीं है तो हम इससे एक कम करेंगे ट्वेंटी वन हो गया और बेसिस सेम वो पावर्स ऐड हो जाती है ट्वेंटी वन और गया, गया अब ये ओमेगा इसी तरह रहेगा ये जो मेगा है उसको मैंने फिर थ्री की पावर सेवन लिख दिया जैसे हमने इधर लिखा था इसी तरह ट्वेंटी थ्री अब ट्वेंटी थ्री थ्री का मल्टीपल नहीं है एक ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू भी नहीं है इससे छोटा आ जाओ ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन पे हमने रोक दिया अब ट्वेंटी वन और टू जो है ये मिलके ट्वेंटी थ्री होंगे तो ये हमने इसको ट्वेंटी वन और टू में तोड़ लिया अब ये भी ये ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और ये जो है ये थ्री का मल्टीपल हो गया ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वन इधर से ओमेगा क्यूब का आंसर वन है one की पावर सेवन वन यहाँ से ओमेगा बचा यहाँ से ओमेगा ये मैंने आपको बताया है ये वैल्यू किसके इक्वल है जीरो के इक्वल तो ये तीन वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है एक ये कि ओमेगा क्यूब जो है वो वन होता है उसका आंसर और दूसरी ये कि वन प्लस मेगा प्लस मेगा स्केयर जीरो होता है और तीसरा ये मेगा और मेगा स्केयर की वैल्यूज आपने याद रखनी है जो यूज होनी है दैट्स ऑल